तो यहाँ बात है 11 मार्च 2023 को जब लिली विले की शुरुआत हुई थी। साथ ही इसके दौरान डिसाइड किया जाता है कि हर संडे को लिली विले की लाइव स्ट्रीम होगी। तो पिछले संडे लिली विले की लाइव स्ट्रीम नहीं हुई थी और मंडे को भी नहीं हुई थी, कहाँ था जबकि, तो उसके पीछे क्या कंक्लूजन है चलिए देखते हैं वीडियो में। तो आप में से काफ़ी बंदों का सवाल है कि लिली विले की वीडियो अब तक क्यों नहीं आई और लिली विले की लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं, जब गेमर फ्लीट भैया लाइव स्ट्रीम करने के लिए उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में कहा था कि संडे को वो लेट हो चुके हैं तो वो मंडे को लाइव स्ट्रीम करेंगे, तो उसके दौरान उन्होंने मंडे को लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं की। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ इसके पीछे कुछ कारण है जिनकी वजह से वह नहीं कर पाए। तो पहला तो ये है कि जब फ्लीट SMP की वीडियो भी इतनी डिले हो चुकी थी काफ़ी लेट, तो उसमें एडिटिंग में काफ़ी समय लगा होगा फ्लीट भाई को, और वाकई में वो वीडियो काफ़ी तगड़ी आई थी जैसा कि आपने देखी होगी। तो उसके बाद उसमें कह सकते हैं टाइम लगा, तो लिली विले के लिए थोड़ा सोचना पड़ गया होगा, तो उसमें भी टाइम हो गया। तो उसके बाद उन्होंने मंडे को लाइव स्ट्रीम के लिए कम्युनिटी पोस्ट में कहा, तो मंडे को भी लाइव स्ट्रीम नहीं हुई, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे हो सकता है मे बी उसके कुछ पर्सनल, और यहाँ तक कि कोई अपडेट देखने को भी नहीं मिला। तो आप उनके इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि वह अभी कुछ काम के लिए बाहर गए हुए, तो उस कारण से उनकी अभी लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए। क्योंकि आप हमें भी फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, हम भी ऐसे ही अपडेट देते रहते। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो जैसा कि आपको पता है कि देव ने फ्लीट भाई का घर डिस्ट्रॉय कर दिया लिली विले में, तो क्या देव ने डिस्ट्रॉय किया या फिर रोनी ने, काफ़ी बंदे बोल रहे रोनी ने, तो पूरा कंक्लूजन जानने के लिए ये वीडियो दे रखी है अपने चैनल पर, तो जाकर देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।